हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ शिवानी और आज है नवरात्र का 8वां दिन यानी महाअष्टमी, और आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में स्थिति दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, धन का योग नहीं बन पा रहा है, तो आप शारदीय नवरात्र में अष्टमी तिथि के दिन कुछ आसान सा उपाय कर सकते हैं। इस 9 दिन में अष्टतिथि के विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन माता महागौरी की स्वरूप की पूजा की जाती है। इस तिथि में महाअष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन सा है वो उपाय जिसे करने से हमें धन योग धन लाभ होगा और हमारे ये जो अनचाहे खर्चे हैं वो तरक्की में किस तरीके से तब्दील होंगे? कुछ अचूक उपाय कुछ टोटके करने से अगर आपके जीवन में धन का मार्ग खुल सकता है तो हम उन्हें क्यों ना अपनाएं। हल्दी और चावल का एक टोटका मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको शुद्ध हल्दी ले लेनी है, यानी अपनी रसोई घर की हल्दी ले सकते हैं आप, जो किसी भी तरीके से मिर्च मसाले से छुआ हुआ ना हो। अब आपको हल्दी और चावल को मिला लेना है और मिलाकर कुछ उपाय करना है जिससे आपके जीवन में खुशहाली लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और धन का मार्ग भी खुलेंगे। शारदीय नवरात्र के अष्टमी तिथि यानी महागौरी को हल्दी और चावल का विशेष महत्व होता है। इसके टोटके करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वस्त्र वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद महागौरी की मूर्ति या फिर चित्र तस्वीर एक थाली में रखते और उसमें हल्दी और चावल मिला के रखते यह सामग्री महागौरी को अर्पित करें। ऐसा करने से घर के समस्त आर्थिक समस्याओं का निवारण हो सकता है। यदि नहीं माना तो हल्दी और चावल को चढ़ाते समय कुछ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी उपाय आजमाएं। समय ओम ईं क्लीं क्लीं महागौरी देवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर एक माला जाप कर सकते हैं। पूजन समाप्त होने के बाद हल्दी और चावल को अपने घर की रखे इस तिजोरी में रख देना है और थोड़ा सा अपने घर की उत्तर दिशा में छिड़क देना है। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख और जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अब आपके लिए दूसरा उपाय, यदि आप नवरात्र का दूसरा उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप गाय का घी जो होता है उसके दीपक जलाएं और उस जीवन में खुशहाली बना कर रख सकते हैं। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, महागौरी या फिर माँ दुर्गा की तस्वीर लेनी है और उसके सामने आपको घी का एक दीपक जलाना है। ध्यान रखें दीपक में आपको 5 लौंग डालना है और डालने के बाद आपको एक एक करके मंत्र का जाप करना है और लौंग डालना है। अगर आपको मंत्र नहीं पढ़ना आता है तो आप किसी भी तरीके से आप इसे डाल सकते हैं माँ का नाम लेकर। इससे अचानक धन लाभ का योग बन सकता है और आपके घर में धन की कमी अचानक से दूर हो सकती है। इसी तरीके की और उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं तीसरा उपाय बताने वाली हूँ। अष्टमी के दिन यानी आज के दिन यह उपाय आप कर सकते हो। आपको नवरात्रि के अष्टमी की तिथि के दिन सिंदूर और सुपारे का यह टोटका धन प्राप्ति करा सकता है। टोटके के लिए आप किसी भी तिथि को कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि पर यह काफ़ी फलदायक होगा। जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। इस टोटके के लिए आप माता गौरी के पूजन के दौरान सिंदूर और सुपारी लेकर महागौरी को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद पूजन समाप्त होने के बाद सिंदूर और सुपारी को अपने घर के मुख्य दरवाजे में लाल कपड़े में लपेट के उत्तर दिशा में इतर या फिर पूर्व दिशा में आप इसे लटका दें। ऐसा करने से मुख्य द्वार से लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है उससे भी छुटकारा मिलेगा और अचानक धन लाभ भी मिल सकता है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ ऐसी अच्छी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।